हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2019 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 36 के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज। और फ्रेंड्स, इन एमसीक्यूज की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, यानी कि जो पहला कमेंट होता है वहाँ पर। फ्रेंड्स, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, SAFAR यानी कि सफर का फुल फॉर्म क्या है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सफर का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, यानी कि वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान की प्रणाली। तो फ्रेंड्स, इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था दिल्ली में 2010 में। और कब लॉन्च किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये सिस्टम रन करता है IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, अगर हिंदी में कहें तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और फ्रेंड्स, ये फोरकास्टिंग मॉडल IITM के सुपर कंप्यूटर पर रन करता है, जिसे आदित्य कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट डैश बाय द UGC एज पार्ट ऑफ द मिशन, यानी कि फ्रेंड्स, शिक्षक शिक्षा के लिए पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र पहले से ही मिशन के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डैश में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट में BHU। और फ्रेंड्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1916 में मदन मोहन मालविया और एनी बेसेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स, विच गवर्नमेंट अनाउंस्ड फ्री हायर सेकेंडरी 3-ईयर डिग्री एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड देम, यानी कि फ्रेंड्स, किस सरकार ने उन छात्रों के लिए मुफ्त उच्च माध्यमिक 3 वर्षीय डिग्री और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की घोषणा की जो उन्हें वहन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, विच गवर्नमेंट अनाउंस्ड that school teachers and principals would be sent to reputed foreign institution to undergo training, यानी कि फ्रेंड्स, किस सरकार ने घोषणा की कि स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में भेजा जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये अनाउंस किया है ऑप्शन डी, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन शॉर्ट में NCTE, एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन परसुएंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 ऑन द डैश, इनके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के डैश के अनुसरण में अस्तित्व में आया। सो फ्रेंड्स, ये एग्जिस्टेंस में आया ऑप्शन बी 17 अगस्त 1995 को। सो फ्रेंड्स, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है पूरी कंट्री में टीचर एजुकेशन सिस्टम को प्लान और कोऑर्डिनेट करना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो भी टीचर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन अमेंडमेंट वॉज एडेड इन 1976 एंड एजुकेशन बिकेम
concurrent list subject which enables the central government to legislate it in the manner suited to it. यानी कि फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1976 में एक संशोधन जोड़ा गया था और शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय बन गया जो केंद्र सरकार को उसके अनुकूल तरीके से कानून बनाने में सक्षम बनाता है। सो फ्रेंड्स वो आर्टिकल है ऑप्शन ए आर्टिकल 42 यानी कि अनुच्छेद 42। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इन शॉर्ट में RUSA। यानी कि फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं? जहां पर फ्रेंड्स नंबर 1 स्टेटमेंट है इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। नंबर 2 पर है फ्रेंड्स इंश्योर रिफॉर्म्स इन द एफिलिएशन अकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम्स यानी कि फ्रेंड्स संबद्धता शैक्षणिक और परीक्षा प्रणालियों में सुधार सुनिश्चित करें। नंबर 3 पर है इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी यानी कि गुणवत्ता संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 4 पर स्टेटमेंट है एक्सपेंड द इंस्टीट्यूशनल बेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस यानी कि फ्रेंड्स मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता बनाकर और नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार का विस्तार करें। सो फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट कोड गेस कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। सो फ्रेंड्स कोड सी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1st, 2nd, 3rd, 4th यानी कि ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो फ्रेंड्स ये सभी उद्देश्य हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के। सो फ्रेंड्स इनके अलावा कुछ और उद्देश्य भी हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के। तो फ्रेंड्स वो हैं जैसे फ्रेंड जो भी SC हैं ST हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं साथ ही साथ वुमेन को माइनॉरिटीज को और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उन्हें हायर एजुकेशन में एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज यानी के पर्याप्त अवसर प्रदान करना ताकि इक्विटी को इम्प्रूव किया जा सके यानी कि उच्च शिक्षा में निष्पक्षता आ सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्रिएट एन इनेबलिंग एटमोसफियर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू डिवोट देमसेल्व्स टू रिसर्च एंड इनोवेशंस यानी के खुद को अनुसंधान और नवाचारों के लिए समर्पित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सक्षम माहौल बनाना। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस इन एक्सेस टू हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस इन अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड एरियाज यानी कि फ्रेंड्स जो भी अनछुए और अछूते क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करके उच्च शिक्षा की पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना। सो फ्रेंड्स ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में जो कि आपको याद रखने हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 - द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया यानी कि फ्रेंड्स वह कौन थे जो कि नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे और जिन्होंने भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन डी चार्ल्स वुड। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है हु सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट विनैकुलर लैंग्वेजेस हाई स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट एंग्लो विनैकुलर लैंग्वेज एंड ऑन कॉलेज लेवल इंग्लिश मीडियम फॉर एजुकेशन यानी कि फ्रेंड्स किसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को अनिवार्य भाषाएं अपनानी चाहिए उच्च विद्यालयों को शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाकुलर भाषा और कॉलेज स्तर के अंग्रेजी माध्यम को अपनाना होगा। तो फ्रेंड्स ये सजेस्ट किया था ऑप्शन सी चार्ल्स वुड ने जिसे फ्रेंड्स वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। सो फ्रेंड्स एंग्लो वर्नाकुलर है जहां पर बोथ इंग्लिश और एक लोकल वर्नाकुलर यानी कि एक स्थायी भाषा यूज की जाती है। सो फ्रेंड्स ऐसा आप स्पेशली इंडियन स्कूल्स में देख सकते हैं और ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखा जा सकता है।
सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि फ्रेंड्स किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन बी वुड्स डिस्पैच, जिसे फ्रेंड्स कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स, यह आया था जुलाई 1854 में, जब चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।